नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। घोसी उपचुनाव में बीजेपी को जहां एक ओर करारी हार का सामना करना पड़ा तो इस वक्त समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से सुधाकर सिंह चौहान पर अपना दाव खेल अखिलेश यादव ने बीजेपी को ये करारी मात दी है, उसके बाद हर किसी की निगाही है सुधाकर सिंह चौहान यहाँ पर सुधाकर सिंह पर कि आखिरकार किस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी को घोसी में ये शानदार जीत हासिल कराई है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम खुलासा करने वाले हैं कि समाजवादी पार्टी से यहां पर विधायक सुधाकर सिंह आखिरकार हैं कितने करोड़ों की संपत्ति के मालिक, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर चुनाव हुई। चुनाव में समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को करारी मात दी। आपको बता दें कि दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें साफ तौर पर टक्कर देते हुए नजर आए सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की अगर संपत्ति की बात करें तो आपको बता दें कि उनके पास 2,25,00,000 के आसपास की संपत्ति है। सुधाकर सिंह पर कुल 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं और अगर उनकी पढ़ाई की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की है। सुधाकर सिंह की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतारा था और उनकी शानदार जीत के बाद से समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि घोसी विधानसभा चुनाव में सीधे सीधे यहां पर जीत हासिल करते हुए सुधाकर सिंह नजर आएंगे। बता दें कि सुधाकर सिंह ने भारी मतों से बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को हराया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव काफी ज्यादा खुशी और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखा आपने कि किस तरह से हमने अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको बताया कि सुधाकर सिंह की आखिरकार कितनी संपत्ति है उनके पास, चल और अचल संपत्ति। इस वक्त आपको बता दें कि सुधाकर सिंह की हर जगह वाहवाही हो रही है, क्योंकि घोसी उपचुनाव में जिस तरह से सुधाकर सिंह पर जनता ने भरोसा जताया और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में होने वाली लोकसभा चुनाव के लिए ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि घोसी उपचुनाव की तरह ही क्या अब लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही समाजवादी पार्टी बीजेपी को यहां पर हराती हुई नजर आएगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।